सो गाइस, आज मैंने अपने प्लेयर के तौर में चूज करा है इस प्यारी सी लड़की को। इसका नाम रॉनिन है। तो यार, इसकी स्पीड काफ़ी सही है और इसका जो डैमेज होता है काफ़ी सही रहता है। तो इस वजह से आज मैंने इस रॉनिन नाम की लड़की को अपने गेम प्ले के अंदर सेलेक्ट करा है। तो यार, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस। अब आ गया है समय कि यहाँ से अब हमें जंप लेनी होगी एक खतरनाक वाली। इसको मैं नाम दूंगा अनएंडिंग गेमर ईगल जंप। बहुत समय बाद तितली बनने के बाद अब मेरे को होश आया है कि यार, अभी हमें तो फोकस करना है इस गेम पर। तो प्लीज़ इस गेम पर फोकस कर ले रॉनिन। मादा अभी अमेजन के जंगल के अंदर डोल रही है। इसको अभी कोई भी शिकार नहीं मिला जिससे ये अपने बच्चे को कुछ खाना खिला पाए। इसके बच्चे 4 दिन से भूखे हैं, तो इस वजह से इसको पूरा अमेजन जंगल के अंदर पूरा भ्रमण करना पड़ रहा है। जैसा कि शेर और शेरनियाँ सब साथ मिलकर शिकार करने जाते हैं, ऐसे ही ये सारी शेर शेरनी साथ में मिलकर शिकार करने गए हैं। एक शिकार मिल गया है और इसको अब हम खाएंगे आराम से कच्चा चबा चबा कर। और जगहों से भी युद्ध के गोले बरसाए जा रहे हैं, तो हम वहां पर चलते हैं जहां पर ये जंगे मैदान असलियत में छिड़ चुका है। एक और शिकार मिल गया है, ये बहुत ही थक गया, अब हम इसको काट के खा जाएंगे। अरे, अब मादा के साथ ये क्या हो गया? इसको तो किसी ने अपने लंबे नखूनों से चोट पहुंचा दी है और इससे ये डांस नहीं कर पा रही। मादा पूरी ट्राई कर रही है डांस करने का पर डांस नहीं कर पाई। तो एक और इनका साथ ही आया, इन्होंने थोड़ा चोट का जो घाव था वो जीप से चाट चाट कर सहला कर ही कर डाला। अब यहाँ पर एक और शिकार मिल गया, इसको भी मादा अब खा जाएगी। ये मादा बहुत ही भूखी है। अरे नहीं जी, क्या दुर्घटना घट गई है, इस मादा को किसी ने वापस से घायल कर दिया है। ये बेरहम लोग इस मादा को जीने नहीं दे रहे, ये अपने बच्चों से मिल नहीं पा रही है। इसका दुख कोई और नहीं समझ पा रहा है। एक साथी आया था पर वो भी डर के मारे भाग गया। इतने सारे दुश्मन आ गए हैं, अब इनके घर के अंदर इतने सारे दुश्मन हैं कि ये खुद डरे और सहमे हुए हैं। इस डर और सहमेपन को ये मादा झेलते हुए जब भी शिकार के लिए वापस निकल पड़ी है, किसी विरोधी पक्ष ने यहाँ पर आग लगा दी है जिससे कि यहाँ पर जो भी झुंड है हमारी भूखे बच्चों वाला, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाए जलकर। वापस से एक बम का धमाका भी कराए। इन शेर के झुंडों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे इन सारे दुश्मनों को मार डालें। तो यार, अभी इनके लिए बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो गया है। आ गया शिकार, आ गया है। अरे पर यहाँ पे शिकारी भी और सारे आ गए हैं। यार, इन सब ने इस मादा को वापस से मार डाला। शिट शिट शिट, वापस से इतने सारे झुंड के अंदर जाने के लिए मादा बड़ी व्याकुलता के साथ में बड़ी तीव्र गति से अति वेग से आगे बढ़ते जा रही है। इस मादा को बड़ी ही चिंता हो रही है कि इन सारे शिकारों को कैसे करेगी ये मादा। तो ये मरने पे नहीं आ रहा, चलो मरने पे आ गया, ये मार डाला। इस बार इन्होंने अपने नाखून का इस्तेमाल करा है, ये अपने नाखूनों को निकाला एक्समैन की तरह। मादा की वजह से ये पूरा ग्रुप जीत गया है। बड़े ही हर्ष और उल्लास का विषय है ये। तो इस भूखी शेरनी ने गिद्ध की तरह अपनी पंखे वापस से फैलाकर अपनी उड़ान भर ली है और पहुंच गई अपने वहीं लड़ने वाली जगह पर। तो यार, अब वापस से हम देखेंगे कि ये मादा और यानी कि ये जो शेरनी है, ये कैसे वापस से अपने भूखे बच्चों का पेट वापस से पालेगी। तो यहाँ पे इसके ऊपर एसिड फेंक दिया है, इसको बड़ा ही गुस्सा आ रहा है। अब ये कूद भी नहीं पा रही है इस पार से उस पार की तरफ, और यहाँ से कोई और रास्ता दिखाई भी नहीं दे रहा। तो इस वजह से इसने वापस पीछे से जाने का फैसला करा है। तो ये जैसे ही एसिड हट गया, तो इस वजह से मादा ने अपना फैसला वहीं के वहीं रोक लिया। अब अपने दुश्मनों के एरिया के अंदर, अपने दुश्मनों की जगह पर घुसने के बाद में मादा बड़े ही बुरी तरीके से ऊपर कूद गई है। इस पे एसिड फेंके जा रहे हैं और ये मादा बड़ी ही खतरनाक तरीके से अपने शिकार का इंतज़ार कर रही है। ये घात लगाए हुए ये शेरनी अब सबको खा जाएगी। हमारे साथी ने भी यहाँ पे बेर का पेड़ गाड़ दिया है ज़मीन पर, ताकि ये अपना इलाके का हिस्सा बता सकें कि ये हमारा हिस्सा है। अगर यहाँ पर कोई विरोधी झुंड आया या विरोधी दल आया तो वो वहीं के वहीं उन कांटों से, बेर के कांटों से घायल हो जाएगा। यहाँ पर मादा अपना शिकार मारते हुए
बड़े ही बुरी तरीके से पर नीचे आने पे ये खुद ही मर गई। मादा के साथ बहुत बुरा हुआ। ये शेरनी बेचारी अपने बच्चों के लिए खाना नहीं जुटा पाई और अगले नई जिंदगी के अंदर वापस से अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए चल पड़ी है। तो ये शेरनी एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर एक आधुनिक समय चल रहा है। इतना आधुनिक समय इसने कभी और नहीं देखा। एक और बार अपनी सारी शक्तियों से ये वापस जिंदा हो गई है और उतनी ही बड़ी हो अपनी शेरनी हो गई है। कुछ समय ही बाद के अंदर 5 सेकंड में शेरनी की हाइट बढ़ जाती है और वापस से अपने परिवार का रक्षा करने चल पड़ी है। ये वहाँ से विरोधी दल हम पर गोलियाँ बरसा रहा है, यहाँ से हम भी गोलियाँ बरसाएंगे नींद की। तो इनको मार डाला वापस से। बड़ा ही दर्दनाक मौत हुई है इस मादा की। थोड़ी ही देर के अंदर वापस से हम जिंदा हो गए और ये वापस से अपनी ये शेरनी चल पड़ी है। यहाँ पर बड़ा ही खतरनाक दुश्मन था जो इन्होंने मार डाला। बच्चे बड़ी ज़ोर ज़ोर से भूखे हैं तो इनको अपना शिकार चाहिए। इस वजह से इन्होंने सारे दुश्मनों को काट डाला, कच्चा चबा डाला अपने इसमें दांतों से। अब ये बम कहाँ से गिरा इस शेरनी को कुछ पता ही नहीं चल पाया। ये शेरनी बड़ी ही दिक्कत के अंदर है और इसके बच्चे इसको देख नहीं पा रहे जिससे कि कोई इसकी मदद करने आ सके। यहाँ पर तो हीट ब्लास्ट डोल रहा है। इस हीट ब्लास्ट के पीछे हमारे साथी भी लगे पड़े हुए हैं ताकि कैसे भी करके इस राक्षस को हम रोक सकें। तो ये वापस से अपनी बंदूकों को चेंज करते हुए वापस से इन सबको मारेगी। ये शेरनी बड़ी खतरनाक तरीके से अपने आप को बचा रही है और अपने दोस्त को भी बचाने के लिए साइड में आ गई है। पर ये दुश्मन बार बार हमारे एरिया के अंदर आने की वजह से इसको बड़ा ही भय लग रहा है। तो ये वापस से अपने शेर को इसने जिंदा कर दिया। बूढ़ा शेर है ये, थोड़ा सा दाढ़ी वाड़ी है इसकी थोड़ी। तो वापस से बच लेते हैं पहले अपने दुश्मनों से और शेर के बारे में हम बाद में बताएंगे। वो शेर बड़ा ही प्यारा शेर है पर उसने इसको बहुत बार बचाया और इसने भी उसको बहुत बार बचाया। ये यहाँ पर तड़प तड़प के मरोगे, अरे तुम सारे के सारे तड़प तड़प के मरोगे जब तक कि तुमने शेरनी को बार बार मारा। तो ये वापस से मार दिया। तो यार ये बहुत ही दर्दनाक मौत हुई हमारी शेरनी की। तो यार नया इसको देखना पड़ेगा। तो ये हमारे सारे दोस्त हैं जो कि इन दुश्मनों से लड़ रहे हैं। तो यार ये भी हार गए एंड में आते आते। तो बहुत ही बुरा हुआ हमारे पूरे दल के साथ में। अब इस दल का बदला हम बिल्कुल जरूर पूरे ही जोश के अंदर लेंगे। तो जो भी दर्शक अभी देख रहे हैं इस गेम को तो वो ध्यान लगा के देखना क्योंकि अभी बड़ी ही खतरनाक युद्ध होने जा रहा है। हर जगह पर ही एसिड बिखरा हुआ है और हर जगह पर गोलियां चल रही हैं, बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं। ये धमाके से पूरा का पूरा साउथ पोल तह गया है। बड़ी बड़ी बर्फ की पहाड़ें भी वहाँ पर पानी बन गई है, इतने बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं और पीछे से गोलियां चला दी चुके हैं। नहीं ये तो साइड में था, इसने यार हमें मार डाला और हमें एक नया जन्म लेना पड़ेगा क्योंकि इतनी देर में हमारा कोई साथी यहाँ पे आ नहीं पाएगा और उससे पहले ये दुश्मन हमें मार डालेगा। तो ये तो हमें मार नहीं पाया पर अपने समय के चलते हम जरूर मर गए। तो वापस से अपनी ज़िंदगी को लाते हुए, ज़िंदगी संवार दूँ एक नहीं बाहर दूँ करते हुए हम इन सारे दुश्मनों को वापस से मारेंगे। तो मैं इसको चाकू से मारना बहुत ज़्यादा पसंद करूँगा इन सारे दुश्मनों को। ये कहाँ है दुश्मन? अरे हाथ में नहीं आ रहा यार। ये लड़की है ना जो टकली सी, ये बहुत ज़्यादा ही तेज़ चले जा रही है जिससे ये हमारे नखों के अंदर नहीं आ रही जिससे हम इसको मार पाएँ। तो यार ये यहाँ पर बहुत ही दुविधा की बात हो गई है कि हमें अब वापस से जन्म लेना पड़ा। कृष बन जा मेरी बच्ची, जा कृष बन जा। चाकू से मारूँ वहाँ पर, चाकू से मार ही नहीं पाया है। क्या कर सकते हैं, ये अपनी मादा इस नर से जाके हार गई। हमको लगता नहीं था क्योंकि हमने एडवर्टीजमेंट में सुना था लड़की भी लड़ सकती है तो हमने इसी बात से इसको लड़ाया। तो यार ऐसी कोई बात नहीं है, ये वापस से लड़ेगी। ये लड़की नहीं, ये शेरनी है। इसको पक्का लड़ने का एक और मौका दिया जाएगा और ये बहुत बुरी तरीके से दुश्मनों को मट्टी चटा दी। अब सारे के सारे लोग इसके साथ हो गए हैं। जैसे ही अपनी कोई भी पंच डायलॉग मार रही वैसे ही धमाके हो रहे हैं इसके आसपास। तो बिल्कुल ही ऐसा सीन लग रहा है जैसे कि एक हीरो आ गया है अपनी फॉर्म के अंदर या फिर एक शेरनी आ गई है अपनी फॉर्म के अंदर। ये लड़की ने पूरा तहलका मचा रखा है। इस तहलका शब्द से एक मेरे को शायरी सुनाने का मन कर रहा है तो प्लीज़ आप मेरी शायरी को ध्यान से सुनना। जो खोया है उससे बेहतरीन पाएंगे, सब्र रख मेरे दोस्त तहलका मचाएंगे।
गाइस मैटर नहीं करता कि हम कितनी बार मरे हैं, मैटर ये करता है कि हम जीतेंगे या हारेंगे। तो हमारे पास हमारी जीत है, तो इस जीत को हम पूरा लेके रहेंगे। चलो यहाँ पर ही हमारी जीत रखी है। हाँ मार डालो मार डालो, अरे मार डाल इसको, हमें अपनी जीत मिल गई है, यही हमारी जीत थी। हमें आराम से लेटना था उस साइड में कोने में, तो ये हमको मिल गया है। तो गाइस आपको पता चल जाएगा आपकी हमारी जीत में कुछ नया चीज़ क्या है। तो यहाँ पर से वापस से गायब हो गए यार ये सारे दुश्मन हमारे, तो अभी हमें कोई नहीं सामने दिखाई दे रहा जिससे कि ये शेरनी वापस से अपने बच्चों का पेट पालन पोषण कर पाए। पर इसके बच्चे अब बहुत कुछ खा चुके हैं, तो अब इस शेरनी को कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आ रही, जो तहलका मचा कर ये अब पूरे संसार को हिला डालेगी। इसने अपने हाथ में जो बंदूक लेके रखी है उससे ये सारे दुश्मनों की छातियों में छेद कर देगी, और करवा चौथ के लिए उनके लिए व्रत रखने के लिए एक नया सा छलनी तैयार करेगी। तो ये हमें रिवाइव दे देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये शेरनी अब नहीं रुकेगी और ये तोड़ डालेगी और राउंड जीत के रहेगी, जैसा कि आपको कहा था। तो गाइस इस बार ये वाला राउंड हम जीत गए हैं, तो अगली बार के लिए आप प्लीज़ प्रे करो कि यार हम अगला राउंड भी जीत जाएं। तो यार ये बहुत ज़्यादा अच्छा मुकाबला रहा है कि जिसके अंदर अगली जो हमारी जो अपोनेंट टीम है वो भी ज़्यादा खतरनाक रही है। ज़्यादा खतरनाक का मतलब कि हमारे बराबर की रही है, जिससे कि हमें खेलने का अच्छा एक्सपीरियंस मिल पाया है। तो ये गेम यार मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, इसके ग्राफिक्स बहुत अच्छे लगे यार, क्या ही एनिमेशन टाइप की चीज़ इसके अंदर है। शेरनी तो बड़ी खतरनाक है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, इसके बारे में सिर्फ मैं ही बोलेगा। शेरनी वेरनी कुछ नहीं है, तू ढंग से खेल नहीं तो मुँह तोड़ दूंगा, घूंसा दूंगा ना यहीं से, बीच में से पार कर दूंगा स्क्रीन के। तो गाइस जो मेरे ने बोलना था वो मैंने बोल लिया और मैंने पूरा का पूरा म्यूट कर दिया जिससे कि आपको पता ना चल पाए। तो गाइस जहाँ तक उम्मीद है आपने कुछ नहीं सुना होगा, तो भाई यहाँ पर अपना दुश्मन है, पहले इसको मार लेते हैं। तो यार यहाँ पर उसका साथी वापस से आ गया, उसने यार हमें रिवाइव की पोजीशन में डाल दी जिससे कि हमें रिवाइव मांगना पड़े। तो यार अपना साथी तो वापस लड़ रहा है, पर यार पता नहीं यार ये कैसे इस बार मैं जल्दी ब्लीड आउट कर गया, कौन सी बटन दबी रह गई, अब मेरे को समझ नहीं आया कि यार ये कैसे हुआ क्या हुआ। और यहाँ से यार वापस बिल्कुल सब पूरा साफ हो गया है पूरा का पूरा। अब हम चलते हैं अपनी जहाँ पर लोकेशन हमें सेट करके दिखा रहा है ये कंप्यूटर, तो वहीं पर ही हम चलते हैं। तो यार हमने अपना आधा रास्ता पार कर लिया है, और देखते हैं कि कौन सा दुश्मन था, उसको इस बार इतना खतरनाक पीटेंगे ना हम, उसको नानी याद आ जाएगी, उसको नाना याद आ जाएगा, उसको मामू याद आ जाएगा, मामी याद आ जाएगी, उसको पूरा खानदान याद आ जाएगा, उसका कुनवा याद आ जाएगा, उसको पता नहीं क्या क्या याद आ जाएगा। इसने तो यार हमें आग लगा डाली बिल्कुल उसी तरीके से जैसे घर की पुरानी रद्दी को आग लगा के हम जैसे फेंक देते हैं कूड़े के अंदर, तो यार बिल्कुल वही सेम सीन इसने मेरे साथ में कर दिया है। तो यार इस बार मैं इसको खंजर से ही मारूंगा, इसको बंदूक से नहीं मारना मुझे इस बार, तो बदला खंजर से ही लूंगा। हाँ ये रहा, इसने ही आग लगाई थी, शायद एक लड़की सी थी। तो मार 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 मार, अरे निशाने पे नहीं बैठ रही, अरे क्या यार ये निशाने पे नहीं बैठ रही, और इसका साथी भी आ गई, और नहीं ये लड़की नहीं थी, वो ऊपर वाली थी जो ऊपर चले गई थी। मेरे को लगा कि यार ये रोनिन नाम की जो हमारी अपोनेंट है वो थी क्या ये, तो यार ऐसा नहीं था, हमसे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और यार ऊपर से हमारा थोड़ा सा निशाना, थोड़ा क्या यार बहुत निशाना चुका है हमारा इसके अंदर। सो गाइस इतनी मेहनत करके आगे आने के बाद में यार यहाँ पर हमारा पूरा सुपड़ा साफ हो गया है, पर यार ये लड़की वापस मरी, पर इसने वापस से मारते उसने तीन तीन बार मारा है यार उस लड़की ने, तो उससे यार बदला ले बिना है ना मेरे खून के अंदर यार शांति नहीं मिलेगी, उस खून को ऐसा उबाल के रखा है ना जैसे ही मिलेगा तो इतना मारूंगा, इतनी गोली चलाऊंगा, इतना खंजर घोपूंगा कि उसको पता नहीं चलेगा कि ये इंसान था या फिर गिद्ध था। तो यार मैं वापस से उसी जगह पर आ गया हूँ ये, अरे यार आते ही मेरे को पेल डाला, वाह आते ही पेल डाला, घनघोर अपमान, अपमान होता है और एक दूसरा होता है घनघोर अपमान, ये हमारे साथ दूसरी वाली चीज़ हुई है, घनघोर अपमान हुआ है। यार वापस से चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं यार यहाँ पर जी एक साथ आ जाते हैं, पहली बात तो यही हो जाती है, अपने साथ ही पता नहीं कहाँ पर किसको मार रहे होते हैं, पता गोलियों की आवाज़ तो आ ही रही होती है, समझ ही नहीं आ रहा यार क्या ही हो रहा है इसके अंदर, आग लगी पड़ी है पूरी की पूरी जगह पर, चलो भागो 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 भागो। जब तक तो हमारे आने से पहले ही हमको विक्ट्री मिल गई थी, ब्रावो 3 FA1। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो यार कैसा लगा आज का आपको हमारा गेम प्ले, तो यार ये रॉक कंपनी का आज हमने रोनिन के साथ में खेला है, तो यार इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना,
और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना और इस चीज़ को पढ़ना बिल्कुल मत भूलना। और यार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर देना व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू। आजकल तो बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिसके भी थ्रू आपको पॉसिबल लगे अपने दोस्तों को शेयर करना, तो उसके थ्रू आप इसको प्लीज़ शेयर कर देना। तो यार हमारी प्लीज़ इस मेहनत को आप सराहना दीजिए और इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट डाउन ज़रूर करिए। और जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।